हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ा हर व्यक्ति रीवा में प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक रीवा के टीआरएस कॉलेज के छात्र टीचरों ने निकाली रैली, सबके घरों में तिरंगा लगने की अपील की। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ा हर व्यक्ति रीवा में प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक रीवा के टीआरएस कॉलेज के छात्र टीचर ने निकाली रैली, सबसे घरों में तिरंगा लगाने की अपील की। आज प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक रीवा के टीआरएस कॉलेज ने, जहां छात्रों की संख्या 10 से 15 हजार के बीच में है, वहां के छात्र टीचर एनसीसी कैडेट्स एनएसएस के लोग आज रीवा की सड़कों में थे, रीवा की गलियों में थे। उनका साफ तौर से कहना था, हम रीवा के लोगों से अपील करते हैं, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते हर घर में तिरंगा अभियान को सफल बनाया जाए, इसके चलते टीआरएस कॉलेज के छात्र टीचर आज सड़कों में थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान इस समय शबाब पर है। रीवा के हर गली चौराहे पर केवल तिरंगा अभियान की ही बातचीत है। आज प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक रीवा के टीआरएस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने, टीचर्स ने शहर में रैली निकालकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को तिरंगा फैलाने के लिए प्रेरित करने का काम किया। यूं तो इस समय पूरे देश में, प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा अभियान का नारा छाया हुआ है। हर घर तिरंगा को सफल बनाने के लिए जहाँ एक और जिला प्रशासन पूरी ताकत लगाए हुए, वहीं दूसरी ओर समाज से भी छात्र टीचर भी कहीं से पीछे नहीं रहना चाहते। रीवा में आज प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक टीआरएस कॉलेज के छात्रों और टीचरों ने तिरंगा रैली निकाली। उनका साफ तौर से कहना था, देश के लिए मर मिटने वालों को याद करने का मौका है 15 अगस्त। इसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेना है, अपने घरों में झंडा फहराना है। हमने कुछ टीचरों से बात की, उनका साफ तौर से कहना था, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर घर में 15 अगस्त को तिरंगा फहराना है, इसके लिए हमारा काम है, हम रीवा की तमाम जनता को, तमाम लोगों से जुड़ें, उनसे आग्रह करें अपने अपने घरों में झंडा फहराएं, वो लोग दूसरे से ये बात को बताएं, एक चैन बन जाए, तमाम लोग, पूरा शहर 15 अगस्त के दिन हर घर में झंडा फहरे, हमारी यही उम्मीद है। इसी के चलते आज हम लोगों ने रीवा में एक रैली निकाली। रीवा की आम जनता, व्यापारियों, समाज सेवियों, सभी से गुजारिश की है, अपने घरों में झंडा जरूर फहराएं। आइए आपको सुनाते हैं, जब हमने कुछ टीचरों से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। विद्यार्थियों से, अपने प्राध्यापकों से, अपने समाज से यही अपील करना चाहेंगे कि इस देश की आन बान शान, इस तिरंगे झंडे का हम कभी भी अपमान नहीं होने देंगे, इसका सर ऊंचा रखेंगे, जिससे ये राष्ट्र समृद्धशाली राष्ट्र के। घर घर तिरंगा अभियान है, मध्य प्रदेश शासन और उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार इसमें हमारे कॉलेज द्वारा ये जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम अपने नगर, अपने राज्य और अपने देश के हर नागरिक को जागरूक करेंगे तथा आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 75वां है, इसको शान से धूमधाम पूर्वक मनाने जाएंगे। धन्यवाद। हमारा उद्देश्य यही है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष हो गए, हम इसको बड़े धूमधाम और शान से मनाएं, सबको जागरूक करें, अपने लक्ष्य की प्राप्त करें, देश प्रेम के लिए हमेशा तत्पर रहें और लोगों को प्रेरित करें कि हम देश के लिए वासी हैं और इस अमृत महोत्सव, इस आज़ादी को हमें अक्षुण बना के रखना है। जितने भी गिले शिकवे हैं सब भूल करके सौहार्दपूर्वक हम एक दूसरे के साथ रहें, ये हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा उद्देश्य है।